हेलो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को चाहते थे कि सीडीपी की क्लास होनी चाहिए तो मेरा नाम है पूनम सभी को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग राम राम जैसा कि आप लोगों को ये था कि सी की क्लास मैम कब से स्टार्ट होंगी कब से स्टार्ट होंगी तो आज ये सी की जो पहली क्लास है ये रिकॉर्डेड है इसमें आज हम सी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे तो आज हम जो पहली क्लास बिना समय गवाए हम पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये पहली क्लास आपको कैसी लगी और आज हम सी टेट के सिलेबस के बारे में जानेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी हमारा आने वाला है और दिसंबर 2023 में लगभग चांसेज हैं कि ये सी हो जाएगा हमारा तो हम आज जो पहली क्लास है वो हम इसके सिलेबस से स्टार्ट करते हैं पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा आखिर हमें पूरे सीडीपी या पूरे मनोविज्ञान में हमें सीटेड में क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर का आता है ये हमें पता होना चाहिए तो आज जब हम पहली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम पर इस्टा, स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या इसका पाठ्यक्रम है हमें क्या क्या पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि पंद्रह ये है पहला जो हमारा आता है वो विषय वस्तु आता है और ये जो हमारा विषय वस्तु होता है वो सी, सीटेड में जैसा कि सभी लोगों को पता है कि पंद्रह नंबर का चैप्टर वाइज मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं पंद्रह नंबर के विषय वस्तु से और पंद्रह नंबर का जो आता है वो हमारा पैडोगॉजी से क्वेश्चन रहते हैं तो पैडोगॉजी यानी कि शिक्षण से हमारे क्वेश्चन आते हैं पंद्रह नंबर के ये सबको जनरली सबको ये बात पता होगी जिनको नहीं पता होगी उनकी बता उनको मैं बता दूं कि तीस नंबर का टोटल क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में जो मनोविज्ञान से रहते हैं उसमें से पंद्रह नंबर का जो हमारा रहता है वो विषय वस्तु रहता है और पंद्रह नंबर का हमारी पेडोगॉजी रहती है अब आगे चलते हैं कि हम पहले डिस्कस करेंगे विषय वस्तु पर जो नंबर की आती है वो उसमें क्या क्या पढ़ना है कितने नंबर की पंद्रह नंबर की आगे चलते हैं देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है जैसे मनोविज्ञान का परिचय मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में हमें पहले इसका परिचय पढ़ेंगे दूसरा क्या है विकास की अवधारणा तथा बालकों के साथ उसका संबंध हमें पढ़ना है जैसे विकास के अवधारणा यानी कि बालक के कौन कौन से कौन सी अवस्था होती जैसे है जैसे अवस्था है बाल्यावस्था है किशोरावस्था है मतलब बालक के विकास के बारे में पढ़ना है उसके बाद हम पढ़ेंगे बालकों के साथ विकास के बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे अगला हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बालक पर अनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि एनवायरमेंट जो है बच्चे का कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे हम सामाजिक विश्व और बालक यानी कि शिक्षक बालक मित्र आदि के बारे में हम पढ़ेंगे आगे देखते हैं विषय वस्तु में हमारा आता है पिगेट यानी कि पियाजे इनको हम पियाजे के नाम से भी जानते हैं जिनको अगर सबको पता होगा लेकिन अगर नहीं पता है तो इसके बारे में इन इन्हीं को बोलते हैं हम पियाजे तो पियाजे कोहलबर्ग और वायगोस्की के बारे में पढ़ेंगे जिसके इसी के अंदर पढ़ेंगे निर्माणों और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इसका क्या क्या है ठीक इस पर लंबी बातचीत करेंगे हम चैप्टर वाइज चैप्टर कर, कवर करेंगे देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए पहले सिलेबस पता होना चाहिए जैसे कि हमें पहले सिलेबस पता रहेगा तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर उसको कवर करते रहेंगे हमें यह चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है तो ये बात हमें पता होनी चाहिए उसके बाद हम चैप्टर वाई चैप्टर इन सबको कवर करेंगे बच्चों को केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस के बारे में पढ़ेंगे बौद्धिक विकास के लिए गुणात्मक विवेचन पढ़ेंगे बहुआयामी और बौद्धिक विकास बाय मिस्टेक बौद्धिक विकास के बारे में पढ़ेंगे भाषा और विचार इसके बारे में पढ़ेंगे समझ गया इतना आगे चलते हैं विषय वस्तु में और है अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाओं लिंग भेद लिंग पूर्वाग्रह और अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे अगला देखिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों भाषा जाति लिंग समुदाय धर्म के विविध धर्म की विविधता के आधार पर अंतर स्पष्टीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा सीखने और सीखने की आकलन स्कूल आधारित मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन नज़रिए और व्यवहार के बीच के बीच में, में भेदभाव इसके बारे में कवर करेंगे आगे देखिए शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर के आकलन करने के लिए सीखने और कक्षा में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का प्रतिपादन इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे देखते हैं आगे ये हो ये तो रहा जो पिछला रहा ये तो रहा हमारा पंद्रह नंबर का ये तो रहा नंबर नंबर का। अब आगे नंबर में हमारी जो क्या आती है पेडोगॉजी क्या आएगी पेडोगोजी जिसे हम शिक्षण के नाम से भी जानते हैं शिक्षण ये हमारी क्या आती है पंद्रह नंबर पर अब पंद्रह नंबर इस पंद्रह नंबर को तो हमने डिस्कस कर लिया इस पंद्रह नंबर को हमने क्या किया डिस्कस कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें अगले पंद्रह पर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आगे देखिए अगले पंद्रह को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है देखिए अगले पंद्रह दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है इसे जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो पंद्रह ही आते हैं पेडोगोजिस्ट जो सीडीपी में होते हैं हमने जो डिसाइड किया है इसमें डिवाइड किया है इसमें आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि पांच नंबर का ये और दस नंबर का यहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं यानी कि पांच नंबर के क्वेश्चन हमारे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और, और तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना जैसे इसमें बालक आते हैं विशिष्ट बालक भी आते हैं इसमें सृजनात्मक होंगे प्रगतिशील होंगे ये सारे बालक जो आते हैं वो समावेशी शिक्षा के अंदर आते हैं इसमें हम पढ़ेंगे अभिसारी चिंतन अभिस चिंतन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो सी में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग पांच नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं अगला देख लेते हैं शिक्षण समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझाना इस इनसे हमारे दस नंबर के लगभग क्वेश्चन होते हैं ये आंकड़ा कहता है जो जो अभी तक हमने जो पेपर देखे हैं या मैंने भी जो पेपर दिए हैं उनमें मैंने यही देखा है कि इस इससे पांच नंबर और इससे दस नंबर के क्वेश्चन आते हैं आगे देखते हैं जो शिक्षण में आगे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना यानी कि इसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना है गैर लाभ गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि में आए हुए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को आवश्यकताओं को समझना अगला अगला जो है वो अधिगम संबंधी समस्याएं कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना अगला जो है वो मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की अवधारणाओं को समझना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे देखिए अधिगम और अध्यापन के बारे में हम डिस्कस करेंगे बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे हैं और क्यों असफल होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कहने का मतलब ये है पैडोगोजी एक ऐसी चीज है कि हम ये जानते हैं पैडोगोजी में हमें ये पढ़ना होता है पैडोगोजी सब्जेक्ट कोई रट्टा मार नहीं है हम इसे रटते नहीं है सिर्फ हमें ये समझना है बालक कैसे सीखता है बालक कैसे सीखता है कैसे समझता है अगर असफल हो रहा है तो कहाँ असफल अफल हो रहा है यानी कि जो कॉन्सेप्ट है पैडागोगी का वो सिर्फ इतना है कि हमें बालक को कैसे सिखाना है और बालक को कैसे समझना है ये। तो आगे देखिए अधिगम यानी कि सीखना और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं बालकों की अधिगम कार्य नीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम अधिगम के सामाजिक संदर्भ अगला देखते हैं एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक अन्वेषक का मतलब होता है खोज अन्वेषक का मतलब होता है खोज से के रूप में बालक आगे बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना बोध और संवेदनाएं प्रेरणा और अधिगम अधिगम में योगदान देने वाले कारक और निजी और पर्यावरणीय इन चैप्टरों को हम पढ़ेंगे हम्म तो ये ये तो रहा हमारा पैडागोगी का पंद्रह नंबर का हाँ पंद्रह नंबर का आगे जैसा कि आप लोग आ, को मैंने ये पूरा सिलेबस बताया तो हम इसको चैप्टर वाई चैप्टर कवर करेंगे ये तो आज का रहा हमारा सिलेबस तो आज की ये हमारी पहली क्लास है ये सिलेबस पर है और रिकॉर्डेड है तो जरा कमेंट करके बताइएगा आपको ये पहली क्लास कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इसके आगे जो चैप्टर वाई चैप्टर हम कवर करेंगे वो अगली क्लास में ठीक है थैंक यू